दिस इज नियाल सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिनों से कुछ वीडियोस नहीं डाले थे, तो एक्चुअली कुछ यूट्यूब के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था। पता नहीं, मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रही थी वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, एड्स नहीं आ रहे थे मेरी वीडियोस पे, तो मैं कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गई थी। बट मैंने फिर सोचा कि नहीं, कितने दिन तक ऐसा चलेगा, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया वीडियो बना लेते हैं, एंड उसके लिए मुझे एक अच्छा सा कंटेंट भी मिल गया। तो हाँ, मैंने कुछ दिन पहले क्लब फैक्ट्री से कुछ शॉपिंग की थी। वो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहाँ पे प्राइस के बारे में सोचा कि बहुत अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, बट मैंने फर्स्ट टाइम इस बार ट्राई किया है। आई डोंट नो प्रोडक्ट्स कैसे आए बिकॉज मैंने अभी तक उसको अनपैक नहीं किया है। मैंने सोचा कि चलिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे पैक होके आता है, उसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है और ये हाँ क्लब फैक्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको करती हूँ अनपैक, उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो एक्चुअली है या नहीं है। मैं बहुत रफली कर रही हूँ इसको, थोड़ा सा भी निकाल दिए मैंने। ये है एक, दो, और ये है थर्ड। तो मैंने हाँ तीन ही चीजें ऑर्डर की थी, बट हाँ जो मैंने चीजें ऑर्डर की थी वो एग्जैक्टली वही है या नहीं उसको देखना होगा। तो चलिए पहले ये तीन चीजें मैंने ऑर्डर की हैं। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट चीज ऑर्डर की थी, मैंने एक सनग्लास ऑर्डर किया था। तो इसकी पैकेजिंग अच्छी है, पहले ये एक येलो एनवलप में है, एंड उसके बाद है ये इसके अंदर एक ये प्लास्टिक है, और इसके अंदर ये जो मेरे ग्लास है वो। तो चलिए इसकी पैकेजिंग अच्छी है, एंड या ये कुछ ऐसा दिखता है। मैंने इसको इसी कलर में ही ऑर्डर किया था, सिल्वर एंड वाइट में। मैं इसको ट्राई पहले करके देखती हूँ ये कैसा दिखता है मुझे। तो यार ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, आई थिंक जो जैसा मैं चाहती थी एग्जैक्टली मुझे वैसा ही मिला, बट मुझे बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये लगा कि इसकी जो ये जो फ्रेम है वो बहुत पतली है, तो इसको मुझे अच्छे से हैंडल करना होगा। और मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये चीज़ मैंने शायद 160 के अप्रॉक्स में खरीदा था। मैं इसका स्क्रीनशॉट जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं इसको लेफ्ट या राइट पे भी डाल दूँगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि जिससे मैं सेटिस्फाइड हुई, ये अच्छा है। सेकेंड चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो था एक पार्टी पर्स। इसकी भी पैकेजिंग अच्छी है, ऐसे प्लास्टिक में है, देखिए बहुत अच्छा है, ये ग्लिटरिंग इफेक्ट है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा था। और इसकी जो साइज है वो भी अच्छी खासी है, आप आराम से ऐसे कैरी कर सकते हो, इसमें बहुत चीजें आ सकती हैं। एक फोन, तो मैं इसको ओपन करके, या चैन भी ठीक है गोल्डन कलर में, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, बट आई नो मैं इसको मैनेज कर लूंगी, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड हाँ इसके इसके अंदर भी एक छोटा सा है, और इसमें भी जिप लगा हुआ है, इसकी जिप की क्वालिटी अच्छी है, एंड मटेरियल ठीक है, मटेरियल मुझे अच्छा लग रहा है। और इसमें आराम से दो फोन, क्योंकि मैं दो फोन कैरी करती हूँ, तो इसमें दो फोन, ये ग्लास ये भी आ जाएगा, कुछ कैश, कुछ मेकअप की चीज़ें जैसे कि हो गया कॉम्पैक्ट या फिर लिपस्टिक लिप बाम, ये सब चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, परफेक्ट फॉर द पार्टी, एंड मैं इससे सो टोटली सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं प्राइस की बात बताऊँ तो इसको मैंने आई थिंक 185 या फिर 187 में किया था, इसके भी मैं कहीं पर स्क्रीन शॉट डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। और जो थर्ड थिंग, जो लास्ट थिंग मैंने ऑर्डर की थी
वो था एक ड्रेस ब्लैक कलर का, सिंपल ब्लैक ड्रेस, स्लीवलेस ड्रेस था। तो ये एक जिपलॉक बैग में आया है जो कि काफ़ी अच्छा है मेरा, इसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ। ड्रेस की क्वालिटी ना वेरी डिसअपॉइंटिंग, ड्रेस की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। दिस इज लाइक अ ट्रांसलूसेंट कपड़ा, बहुत ही बेकार है। मैंने इसको लार्ज साइज में ऑर्डर किया था, लार्ज हाँ लेंथ सही है, स्टिचिंग भी सही है, बट ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग इसकी क्वालिटी बहुत ही चीप क्वालिटी का है। जितना इसका प्राइस है उसके वर्थ नहीं है। इसको मैंने शायद 390 समथिंग में कुछ लिया था, बट प्राइस के हिसाब से बोला जाए तो इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। और पता नहीं इसमें कुछ और भी मुझे दिख रहा है, इसमें कुछ लखनऊ जैसा लिखा हुआ है, वो ये क्या है, इसमें क्लब फैक्ट्री भी है। आई डोंट नो, शायद लखनऊ में कोई क्लब फैक्ट्री की कंपनी होगी, ऑफिस होगा मे बी, इसीलिए बहुत क्यूट सा लग रहा है। आई थिंक शायद स्टिकर है, या ये एक स्टिकर है, इसको मैं कहीं पे अपने रूम में लगा सकती हूँ, अपने अलमीरा पे या फिर क्या बोलते हैं फ्रिज, कहीं पे भी लगाया जा सकता है। ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्लब फैक्ट्री के तौर पे। पता नहीं, आई डोंट नो उन्होंने फ्री दिया है या फिर ये सबको मिलता है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट या ओके, सो द फाइनल जो कंक्लूजन निकल रहा है तो यही है कि लगभग सारे प्रोडक्ट अच्छे आए हैं, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। बस ये बस जो ड्रेस है, तो वैसे भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे थोड़ा बिलीव नहीं कर सकते हैं ड्रेसेस के मामले में, बिकॉज क्वालिटी हमें पता नहीं चलता जब हम फोटोज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई थिंक आप लोग भी शॉपिंग करेंगे, एंड या मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम भी शॉपिंग करूँ, और नेक्स्ट टाइम भी मैं शॉपिंग करूँगी तो उसकी भी वीडियोज और उसके रिव्यूज मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें, एंड अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे कूपन कोड भी मिला है क्लब फैक्ट्री से, जिसको मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप कूपन कोड का यूज़ करते हैं तो आपको शॉपिंग में आई डोंट नो कितनी परसेंट, बट कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। सो हाँ, उस कूपन कोड का यूज़ करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। बाय बाय।